टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। एक नंबर के दो ऑटो रिक्शा मुंब्रा की सड़कों पर दौड़ रहे थे। ऑटो रिक्शा का नंबर है MH04JN9298। इनमें से एक ऑटो रिक्शा चोरी का हो सकता है जो दूसरे ऑटो रिक्शे का नंबर प्लेट लगाकर चल रहा है। ये ऑटो रिक्शा तब पकड़ में आया जब अमृतनगर के सैयद सुहेल हुसैन अपना ऑटो रिक्शा जिसका नंबर है MH04JN9298 ये इस ऑटो रिक्शा में पैसेंजर लेकर जब मुंब्रा के मिलेनियम के पास पहुंचे तभी उन्हीं ऑटो रिक्शा के पास एक दूसरा ऑटो रिक्शा आकर खड़ा होता है जिसका नंबर सैयद हुसैन के ऑटो रिक्शे के नंबर का सेम ऑटो रिक्शा है। और सैयद सुहेल ने जब इस ऑटो रिक्शे ड्राइवर को पकड़ा और उसे पूछताछ की तो ये ऑटो ड्राइवर बहानेबाजी करना शुरू कर दिया, जिसके बाद इन लोगों ने इस ऑटो रिक्शा ड्राइवर को और ऑटो रिक्शा को लेकर मुंब्रा ट्रैफिक पुलिस स्टेशन पहुँचे, जिसके बाद इस फर्जी ऑटो रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि वो ऑटो रिक्शा के मालिक को बुला रहा है। और वहाँ पर एक बाइक सवार आया और अचानक ये बाइक पर बैठकर फरार हो गया। हालांकि इसका पीछा भी लोगों ने किया मगर ये हाथ नहीं आया। वहीं परमिट होल्डर इमरान अब्दुल मेमन ने बताया कि उनके ऑटो रिक्शे का सब कुछ कागजात पूरा है मगर इस तरह से हमारे ऑटो रिक्शे के नंबर के एक दूसरा ऑटो रिक्शा इसी शहर में चल रहा था, अगर किसी तरह का घटना या अनहोनी हो जाता तो हम इस मामले में फंस सकते थे, मगर अच्छी बात ये रही कि आज इस फर्जी नंबर प्लेट के ऑटो रिक्शा को पकड़ लिया गया है। ऑटो रिक्शा जो पकड़ा गया है वो मुंब्रा ट्रैफिक विभाग ने मुंब्रा पुलिस को सौंप दिया है और इस पूरे मामले की जाँच अब मुंब्रा पुलिस करेगी। जो लीगल ऑटो रिक्शा ड्राइवर है सैयद हुसैन और परमिट होल्डर इमरान अब्दुल मेमन ने क्या कुछ इसके बारे में जानकारी दी, उन्होंने कैसे फर्जी नंबर प्लेट के ऑटो रिक्शा को पकड़ा है, सुनिए। क्या नाम है भाई आपका? सैयद सुहेल हुसैन नाम है मेरा। गाड़ी मैंने देखा मिलेनियम के पास, ये गाड़ी चल रही थी रोड पे, तो मैंने उतर के बाईपास से उसको पकड़ा तो लेके आया उसको यहाँ तक के। अब यहाँ आने के बाद वो बातें बनाने लगा कि मैं धनी आ रहा है, ये आ रहा है, वो आ रहा है, वगैरह वगैरह। अब वो नहीं आया, एंड मोमेंट में हमने जब जमा करने लेके गए तो भाग गया और किसी के साथ भागते बैठे। दोनों गाड़ी का सेम नंबर? सेम टू सेम नंबर। क्या नंबर है आपकी गाड़ी का? MH04JN9298 है। और जो गाड़ी पकड़े आप लोग वो भी सेम नंबर है, 9298JN MH04। तो आप लोग उसका पीछा भी किए थे, दौड़ाए थे कहाँ तक? मैं कब्रस्तान तक दौड़ाया उसको, लेकिन वो भाग गया। उसके बाद उसका कोई साथी था शायद बाइक पे, लोग निकल गए। वो फोन पे पहले ही बात कर रहा था, पहले ही बात कर रहा था। बोले मैं बुला रहा हूँ, लेकिन वो हम लोग उसका इंतजार कर रहे थे। बोले भाई जाओ मत, हम लोग चौकी तलक ही जा रहे थे गाड़ी लेके। वो बोला भाई जो गाड़ी का ओनर है वो आ रहा है, खाली 5 मिनट रुक जाओ। और वो फोन पे बात कर रहा था, हम लोग समझे क्या बुला रहा है वो, लेकिन उसने बुलाया नहीं। वो सामने बाइक खड़ी हुई आके और वो यहाँ से ऐसा भागा कि पूछो मत, हम लोग उसका पीछा किए लेकिन वो हाथ में नहीं आया हमारे। गाड़ी हम लोग वापस उसकी लेके आ गए। इसमें डुप्लीकेट गाड़ी कौन सी है? डुप्लीकेट गाड़ी है। अच्छा, ये डुप्लीकेट और ओरिजिनल ये है? ये ओरिजिनल है, परमिट वाली गाड़ी ये है। वो परमिट होल्डर कौन है? खड़ा परमिट होल्डर हमारे साथ। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? मेरा इमरान अब्दुल रजाक मेमन। अच्छा, ये आपकी परमिट है तो इसमें दो दो गाड़ियां, एक बता रहे कि नकली गाड़ी है जो डुप्लीकेट नंबर लगा के चला रहा है। सही बात है, मेरी असली गाड़ी यही है, वो गाड़ी नहीं है। ये मेरे को भी मालूम नहीं था दो गाड़ी चलनी है, ये असली गाड़ी मेरी एक ही है। तो अभी क्या आप लोग पुलिस में कंप्लेन वगैरह ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हैं क्या? पुलिस में आप लोग कंप्लेन तो करना पड़ेगा ना भाई, अभी ये गाड़ी हम लोग क्या करेंगे इसका? कल को ये गाड़ी से कुछ हुआ रहेगा तो मेरे गाड़ी पे एक्शन आएगा ना। हाँ, तो कंप्लेन करेंगे आप लोग? हाँ, जमा करा देंगे गाड़ी को। अब वो सामने वाले का हम लोग ने फोटो खींचे, वो भी आपको उसका हम लोग के पास फोटो भी है, ये गाड़ी का चेसी नंबर भी है, वो जो ड्राइवर था उसके पास उसका फोटो भी हम लोग ने रखे है। वो बोल रहे ना मेरे पास लाइसेंस है, उसके पास लाइसेंस भी नहीं था, आधार कार्ड भी नहीं था। थाना में चला दो, थाना में चला दो।